हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पिलग्रीम का हेयर ग्रोथ सीरम, जो कि काफ़ी वायरल है और आप सबके क्वेश्चंस तो रुक ही नहीं रहे हैं कि इसको कैसे अप्लाई करें, ये कैसे हेयर को ग्रो करवाता है, इसको कितनी बार अप्लाई करना चाहिए और ये कितने देरी के बाद हमारे बाल लंबे घने होंगे, हमारे न्यू बेबी हेयर्स ग्रो होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कैसे इसको अप्लाई करते हैं और डेमो करके भी दिखाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चलो सब्सक्राइब भी कर ही दो, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है आपको ब्यूटी रिलेटेड सॉल्यूशंस, चाहे वो हेयर ग्रोथ की हो या स्किन केयर की हो या फैशन रिलेटेड हो, आपको सारे ही मस्ती के चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी रिलेटेड टू स्किन केयर एंड हेयर केयर। बाकी शॉर्ट्स आप ज़रूर देखते रहना, शॉर्ट्स में होते हैं और भी ज़्यादा मस्ती। कभी मैं वायरल हैक ट्राई कर लेती हूँ, कभी मैं आपको बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन देती हूँ जस्ट इन अ सेकेंड्स। सो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं पिलग्रीम हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। सबसे पहले तो ये रहा इसका पैकेजिंग। अब पैकेजिंग तो देख ही सकते हो और इसकी हालत भी आप देख सकते हो, कितनी बार मैंने इसको खोला, मचोड़ा, कुछ भी किया है। तो इसका जो पैकेजिंग है ठीक ठीक है। ऐसे ही इसका जो पिलग्रीम का जो सीक्रेट्स ऑफ जेजो आइलैंड, जो कोरिया का जो इनका रेंज है ना, उसके अंदर आता है इनका हेयर ग्रोथ सीरम। पिलग्रीम के बहुत सारे रेंजेस हैं, आपने तो देखे ही होंगे, वाइन वाला रेंजेस, कोरिया वाला रेंजेस एंड ऑल्सो कुछ कुछ इनके रेंजेस हैं जिनका नाम भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती, लेकिन ये कोरिया के अंदर जो इनका रेंज आता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और उसी के अंदर आता है हेयर ग्रोथ सीरम। इसका फुल नेम है रेडेंसिल एनागन एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम। अब हेयर ग्रोथ सीरम जो है ना, हेयर सीरम दो तरीके का होता है, एक जो आप स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हो, एक होता है जो बालों के लेंथ में अप्लाई करते हो। जो आप बालों के लेंथ में अप्लाई करते हो ना, लाइक कंडीशनिंग शैम्पू के बाद जब थोड़े से बाल भीगे होते हैं तब सीरम वगैरह लगाते हो, इससे बाल स्मूथ सिल्की हो जाते हैं। और एक होता है हेयर ग्रोथ सीरम, जो स्कैल्प में लगाने से आपके हेयर रीग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं, आपके जो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। तो वो है ये हेयर ग्रोथ सीरम। अब ये हेयर ग्रोथ सीरम और हेयर ऑयल से कैसे डिफरेंशिएट करता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे अपने वीडियोस देखे होंगे कि आप कलौंजी को ऑयल लगा लो, अनियन ऑयल लगा लो, विटामिन ई ऑयल लगा लो, कैस्टर लगा लो, इससे आपके हेयर ग्रोथ होंगे। और बहुत सारे ब्रांड्स तो अभी रिसेंटली हेयर ग्रोथ सीरम ज़्यादातर निकालने लगे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हेयर ग्रोथ सीरम को प्रमोट करके बोल रहे हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीरम है जो आपके बालों को ग्रो करवाएगा, बहुत ही फास्ट वर्क करेगा होम रेमेडी से भी ज़्यादा। अब बात ये करी जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि आपको ऑयल पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए या फिर हेयर ग्रोथ सीरम पे। देखिए, जिनके बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहे हैं लाइक एलोपेशिया, बॉल्डनेस, उसमें अगर आप होम रेमेडीज का एप्लीकेशन करते हो तो एक तो वो असर करेगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको कोई सीरियस हेयर की इशू होती है ना, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है या फिर कुछ हेयर वर्टिलाइजर्स देते हैं जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, नॉट लाइक अनियन डाल दिया, मेथी डाल दिया उसमें, नहीं, वो कोई होम रेमेडी वाला चीज़ नहीं होता, कोई ऑर्गेनिक चीज़ नहीं होता, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। अब कैसे केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो डायरेक्ट आपके स्कैल्प में जो सेल्स होते हैं उसको ट्रिगर करती है ताकि हेयर ग्रोथ फास्टर हो, आपको जल्दी रिजल्ट मिले और आपकी जो बॉल्डनेस है उसको स्टॉप करे, उसको एलोपेशिया जो है उसको स्टॉप करे और फिर वहाँ से हेयर ग्रोथ हो। जो होम रेमेडीज है जिसके अंदर कैस्टर ऑयल वगैरह, अनियन वगैरह, ये सब होम रेमेडीज होते हैं ना, ये काम कैसे करती है, ये आपके हेयर ग्रोथ को ज़्यादा फोकस करती है, नॉट टू स्टॉप योर बॉल्डनेस और एलोपेशिया। मतलब इधर आपके बॉल्डनेस एलोपेशिया ग्रो करेंगे, साथ ही साथ का हेयर ग्रोथ भी होगा। मतलब आप सोच समझ सकते हैं कि आपका एक तरफ बॉल्डनेस एलोपेशिया रुकवा नहीं रहा, ये रेमेडी वो साथ साथ चल रहा है, साथ साथ ये रेमेडी किस पे काम करती है, हेयर ग्रोथ पे। तो हेयर ग्रोथ भी आपका हो रहा है, आपका बॉल्डनेस भी साथ साथ जा रहा है, तो कुछ भी रिजल्ट एंड रिजल्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हेयर ग्रोथ सीरम, हेयर वर्टिलाइजर, ये क्या काम करता है, ये सबसे पहले तो आपके बॉल्डनेस एलोपेशिया को रोकने का काम करता है, उसके बाद आपके हेयर ग्रोथ की जो साइकिल है उसको लंबी करने की कोशिश करता है और न्यू हेयर ग्रोथ लाने की कोशिश करता है। यानी कि जहाँ पर आपके एलोपेशिया बॉल्डनेस हो रहे हैं, यानी कि वहाँ के हेयर जो फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से हेयर उगते हैं वो तो मर रहा है ना, अब उसको मरने से तो पहले बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही ना वहाँ से न्यू हेयर ग्रोथ होगा। तो वो काम करता है हेयर ग्रोथ सीरम। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप होम रेमेडी मत लगाओ या कुछ भी घर पे बना हुआ रेमेडी मत लगाओ, ऑयल मत लगाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको रेगुलर ऑयलिंग तो करनी ही चाहिए,
साथ ही साथ आपको हेयर ग्रोथ सीरम भी आपने अपने रूटीन में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि हम रेमेडीज को डेली फॉलो कर सकते हैं, बट ये जो हेयर वर्टिलाइजर हेयर ग्रोथ सीरम है इनको भी आप डेली यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको इसे कंट्रोल में लाना पड़ेगा। रेमेडीज जो होते हैं वो 100% ऑर्गेनिक होते हैं और ये आपके स्कैल्प के साथ साथ आपके बालों के लेंथ में जो टेक्स्चर होते हैं, जो आपकी क्वालिटी होती है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। बट हेयर ग्रोथ सीरम भी आपको ऐड करनी चाहिए, ताकि अगर आपके आपके सर में बॉल्डनेस एलोपेशिया हो वो भी ठीक हो, अगर आपके फ्यूचर में आने वाली हो, अभी नहीं आई हो, अभी आपके बाल एकदम परफेक्ट है बट फ्यूचर में तो आ ही सकती है, तो प्रिकॉशन तो लेना हमेशा बनता ही है ना, तो आप अभी से हेयर ग्रोथ सीरम अपने रूटीन में ऐड कर लो। आप रेमेडीज भी ट्राई करते रहो, आप सीरम भी मतलब इस्तेमाल करते रहो अपने स्कैल्प में। अब बात करें, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम रेमेडी और सीरम को एक साथ फॉलो कर सकते हैं। देखो भाई, बात यह है कि ये जो सीरम है ना ये आप हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर अप्लाई करना मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है ये आप डेली रात को अप्लाई करें तो आपके लिए बेटर रिजल्ट होगा। जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल इशू, सीवियर बॉल्डनेस एलोपेशिया के इशू है, वो इसे रेगुलर डेली यूज़ कर सकते हैं। जिनके बाल अभी देखो हेयर लाइन जैसे रिसीट कर रही है ना, जिनके हेयर लाइन रिसीट कर रही है, वो तो 3 से 4 बार ज़रूर अप्लाई करें रात को, और हफ्ते में 3 से 4 बार बोल रही हूँ। और जिनके ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो 2-3 बार ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाटर बेस्ड सीरम है तो इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी स्कैल्प ऑयली नहीं होगा, साथ ही साथ ये आपके बिल्कुल जो नॉर्मल बाल होते हैं ना शैम्पू करने के बाद वैसे ही लगेंगे। बट हाँ, अगर आपके स्कैल्प में पसीना हो या स्कैल्प भीगा हुआ हो तो इसको मत यूज़ करना, वरना स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और ये वर्क नहीं करेगा। तो एकदम सूखा ड्राई बालों पर ही इसको यूज़ करने का, ठीक है। अब बात करते हैं रेमेडी कब आप फॉलो करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं ना इस सीरम को, तो सबसे पहले 1 महीना कंटिन्यूस इसे यूज़ कीजिए, उस बीच ना तो कोई रेमेडी यूज़ कीजिए। ऑयलिंग आप कभी कभी कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल वगैरह, रेमेडी वगैरह ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। और हाँ, अगर आप रेमेडी वगैरह यूज़ भी कर रहे हैं तो सिर्फ बालों के लेंथ में यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बात यह है ना कि ये सीरम को टाइम लगता है वर्क करने में, सूट करने में। उस बीच आप कुछ भी ऐरा गहरा चीज़, मतलब कोई भी रेमेडीज वगैरह कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी फायदेमंद, तो उसको लगाओगे ना आपके स्कैल्प पे सूट नहीं करेगा। एक तो स्कैल्प पहले से ही परेशान हो रहा था कि ये कौन सी नई चीज़ मेरे स्कैल्प में डल गई, ऊपर सब रेमेडीज भी डालोगे तो स्कैल्प हमारा कन्फ्यूज हो जाएगा और काम नहीं कर पाएंगे। उसको एक पहले एक चीज़ से उसको सूट करवा लो, फिर उसके बाद 1 महीने बाद आप रेमेडीज लगातार चालू कर देना अपना हफ्ते में 1-2 बार, और सीरम को 2-3 बार लगाते रहना। मैं क्या करती हूँ, इस सीरम को हफ्ते में 2 से 3 बार लगा ही देती हूँ, क्योंकि मेरे जो प्रॉब्लम है ना अभी रिसीडिंग हेयरलाइन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे इसे 3-4 बार लगाना ही पड़ेगा, फिर जाके ये वर्क करेगा। अगर मेरे बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं 2-3 बार, 1 बार ज़रूर, मतलब 1-2 बार ही लगाती इसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कि ये हेयर ग्रोथ का रिजल्ट कब देगा और ये हेयर फॉल में वर्क करता है कि नहीं। अब हेयर फॉल में वर्क करता है कि नहीं वो तो मैं अपने रिव्यू से, फिर अपने जो एक्सपीरियंस है उससे ही बताऊँगी। अब एक बात है ना, एक प्रोडक्ट जो होता है ना वो सब किसी पे काम नहीं भी कर सकता है। हो सकता है कि जो हेयर ग्रोथ सीरम है ये सिर्फ पिलग्रिम नहीं मिनिमलिस्ट, ऑर्डिनरी और बहुत सारे ब्रांड्स ने हेयर ग्रोथ सीरम निकाले हैं, तो हो सकता है कि मिनिमलिस्ट का जो हेयर ग्रोथ सीरम है वो मेरे ऊपर वर्क नहीं किया लेकिन पिलग्रिम का किया, और ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम वर्क नहीं किया लेकिन मिनिमलिस्ट का कर गया। तो ये डिपेंड करते हैं स्कैल्प टू स्कैल्प कि आपके ऊपर सूट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आई कैन से कि ये जो वाटर बेस्ड सीरम होते हैं ना बहुत ईजिली स्कैल्प में सूट कर जाते हैं, और इसको अप्लाई करने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट आपको ज़्यादातर नहीं दिखाई देते हैं। और ये है रेडेंसिल एराग्न, यानी कि रेडेंसिल जिसमें डाला जाता है वो स्पेशली वर्क करता है हेयर ग्रोथ में, हेयर रीग्रोथ में। एनागेन डाला जाता है हेयर को, बालों को स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर बनाने में, स्ट्रेंथ डालने में, एंड बालों की जो ब्रेकेज से हेयर फॉल होती है वो भी रुकवाने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ ये बता दूँ हेयर ग्रोथ कब होगी। अब इसे आप रेगुलर 3 महीने लगाने के बाद ही कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो इतने सालों से आपके यहाँ के बाल तो ग्रो नहीं कर रहे जिनको एलोपेशिया बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि 1 हफ्ते में ही आपकी हेयर ग्रोथ हो जाएगा। उसमें तो वक्त लगेगा भाई, और सबसे पहले तो जो आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है उसको रुकवा के न्यू हेयर ग्रो करना, उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो तो पहले ठीक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि चलो आपका घर नया बन रहा है, उसके दीवारों पे पहले तो पुट्टी वुट्टी लगेगी ना, प्लास्टर लगेगी, उसके बाद ना पेंट होगी। आप सोच रहे घर बन गया अभी से पेंट कर देते, होता नहीं ना, तो वैसे ही पहले स्कैल्प को रिकंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा ना, अगर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना, फिर जाके उसमें नए हेयर ग्रोथ के लिए एक बेस रेडी करेगा, जो हेयर ग्रोथ हमेशा होगा और वो हेयर फॉल होने के भी चांसेस
कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे खराब स्कैल्प, खराब इन द सेंस प्रॉब्लमेटिक स्कैल्प में अगर हेयर ग्रोथ होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो हेयर ग्रोथ होगी, अगले दिन वो झड़ जाएगी। लेकिन अगर साफ सुथरा स्कैल्प, अच्छी स्कैल्प होगी ना, तो उसमें हेयर ग्रोथ होती है तो जाहिर सी बात है वो दो दिन में नहीं टूटेगी, वो सालों साल चलेगी, हेयर ग्रोथ होती रहेगी और फॉलिकल्स भी नहीं मरेगी। तो लेट्स मेक आवर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग बाय यूजिंग पिलग्रिम्स सीक्रेट टू जेजू आइलैंड कोरिया वाला रेडिंसिल एनेकिन एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम। याद रहेगा इतनी बार यूज करके उसके। सबसे पहले तो बता दो, इसके अंदर कोई भी पैराबेन सिलिकॉन नहीं है और ना ही कोई हार्श केमिकल्स हैं जो आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम पहुंचाएगा। इट्स 100% वीगन दोस्तों। और इसका जो प्राइस है थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। इनफैक्ट जितने भी हेयर ग्रोथ सीरम है मार्केट में टॉप टॉप ब्रांड्स के, सबसे सस्ता मुझे यही लगा। इसका जो MRP है दैट इज 895, बट Amazon में आपको इजिली 700 to 800 के अंदर मिल जाएगा। तो ईजिली आप इसे परचेस कर सकते हैं। सबसे सस्ता वाला हेयर सीरम यही है, दैट इज पिलग्रिम एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम। अब बात करते हैं इसकी लाइफ शेल्फ की, मतलब सेल्फ लाइफ की, उल्टा बोल रही हूँ, दैट इज अराउंड 24 months यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर पीछे साइड आपको सारे डिटेल्स भी मेंशन किया गया है कि ये किस किस जगह पे वर्क करते हैं। स्पेशली मैंने जो बताया कि फॉलिकल्स के ऊपर वर्क करता है, आपके हेयर लॉस को स्टॉप करता है, प्रोमोट करता है। और इसके अंदर जिंक एंड ग्रीन टी भी है जो आपके वालों को कंडीशन करता है। हालांकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में लगानी है, नॉट ऑन दिस हेयर लेंथ। ये जो हेयर लेंथ है ना, ये बेजान टाइप के है, ग्रो यहाँ से कर रहे हैं। जब आप टांगते हो ना बालों को तो यहाँ दर्द होती है ना, तो इस जान में आपको इसको खाना देना है। इस जान को आपको स्मूथ करना है कंडीशनर से, सीरम से या ऑयल लगा के। बट इस यहाँ पर जो हमारी जान है ना, मतलब बालों की जो जान है ना फॉलिकल से, इसको हमें फीड करनी है, खाना देना, अच्छा अच्छा खाना देना ताकि वो हेल्दी रहे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ सीरम लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे मैं डेमो कर देती हूँ, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा रैंडम बोले जा रही हूँ, बट हाँ, ये पूरी जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि ये सीरम हम खरीदे नहीं खरीदे, वर्क करते नहीं करता, 100% वर्क करता है। मेरे लिए तो एटलीस्ट क्या, मैंने पहले ही जो भी हेयर वर्टिलाइजर बोलो, सीरम बोलो, ऑयल बोलो लगाया है, फर्स्ट टाइम लगाऊँ या एक हफ्ते बाद लगाऊँ, एक महीने बाद इन द सेंस कि लगाती रहूँ, उसके बाद एक महीने बाद भी मेरे जो लगाने के बाद इंस्टेंट बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता था, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद फर्स्ट टाइम भी मैं अप्लाई करूँ या इसको लगाते हुए एक महीने बाद में मैं अप्लाई करूँ, मेरे बिल्कुल भी हेयरफॉल नहीं होते। साथ ही साथ मेरे हेयर की जो थिकनेस है वो एक बार देखिए, हेयर की जो थिकनेस है कितनी ज़्यादा मोटी हो गई है बाल। अभी जो सामने की तरफ बाल है इसमें भी आपको हेयर ग्रोथ दिखेगा, अभी तो प्रॉपरली एक महीना भी नहीं हुआ है और उसके अंदर देखिए कितने ज़्यादा हेयर थिक हो गए हैं, थोड़े थोड़े मोटे भी हो गए हैं और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा खासा हो रहा है। अब ऐसा क्यों कि एक महीने के अंदर ही मुझे क्यों रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मेरे स्कैल्प में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। और जिन लोगों को टाइम लगता है डेफिनेटली उनके स्कैल्प में थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, जो ये सुधार ला रहा है उसके बाद रिजल्ट आएगा। अब डिपेंड करता है स्कैल्प में कि सूट तो करेगा लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा, वो डिपेंड करते हैं आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल के ऊपर, नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल, और ऑल्सो डिपेंड करता है कि कितने देरी में ये आपके बालों में सूट करता है। अब बालों की देखिए पूरा ब्लैक खाना काला। अब बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये हेयर व्हाइटनिंग को, हेयर ग्रीन को स्टॉप करवाता है नहीं करवाता। डेफिनेटली जो आपके व्हाइट बाल हो रखे हैं उसको तो हम ब्लैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाल ग्रो कर रहे हैं, नए बाल ग्रो कर रहे हैं, उस पर डेफिनेटली वर्क करके इसको सुधार लाएगा और प्री मैच्योर हेयर ग्रीन को ये ठीक कर सकता है। 50+ है तो डेफिनेटली आपके तो सफ़ेद बाल आएंगे, वो नेचुरल है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके प्री मैच्योर हेयर ग्रीन होते हैं ना, वो एक प्रॉब्लम होती है बालों का, तो वो डेफिनेटली कितनी बार बोल रही हूँ, तो वो इस पर वर्क करता है। बट ये खासकर वर्क करता है हेयर ग्रोथ में, आपकी बॉल्डनेस एंड अलोपेशिया को रुकवाने में। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे बाल है कितने मोटे हो चुके हैं। तो लेट्स अनबॉक्स इट एंड यूज इट, हाउ टू यूज इट। अब देखो, अब जब नहा के आते हो ना शैम्पू करने के बाद, कंडीशनर लगाने के बाद, रात में जब आपके बाल एकदम ड्राई होते हैं तब आप इसे अप्लाई किया करो। एंड आप इसे अगर हफ्ते में 3-4 बार यूज कर ही रहे हो, मिनिमम तो इसे 3-4 बार यूज करना ही है, तो रात को ही अप्लाई करना जब आपके बाल एकदम ड्राई हो। बहुत बार मैं काम करके ऑफिस से लौटती हूँ, स्टूडियो से लौटती हूँ, तो मेरे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पसीना रहता है, तो मैं तभी इसे अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मैं अप्लाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि चलो इसको लगाना है, काम करेगा, इसलिए अप्लाई कर लेते। नहीं, आपकी कंडीशन भी वैसी होनी चाहिए, एकदम सूखा स्कैल्प। तो ये देखो, ये एकदम इस तरीके का शीशी आता है एकदम सीरम की बॉटल में, और इसका जो लिक्विड है आप देख सकते हैं पूरा वाटर वाटर है, और इसी पानी को
हम लगाएंगे हमारे स्कैल्प में, तो इसको मैं नीचे लूँ। सो अभी मैं क्या करूँगी, जो मेरे इफेक्टेड एरिया, जैसे कि रिसीडिंग हेयरलाइन मेरे इफेक्टेड एरिया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी, एक ड्रॉप अप्लाई करूँगी और इसे ऐसे रब करूँगी। मसाज नहीं करना है, बस रब करना है स्कैल्प में, रब करना, ये ऑटोमेटिक अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसकी जो पैकेजिंग है ना, पैकेजिंग में बहुत मस्त है, तो हम कभी भी इसे लगा सकते हैं और बहुत ही कम चांसेस है कि इसे हम ब्रेक कर ले या ज़्यादा लगा ले। ड्रॉपर भी बहुत सही दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपके प्रॉब्लम है आप वहाँ लगाएं। जहाँ पर भी आपका इफेक्टेड एरिया, जब यहाँ पर मेरे थोड़े से मुझे लगते हैं कि बाल कम है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेती हूँ और सामने की तरफ अप्लाई कर लेती हूँ और इसको हम थोड़ा सा करेंगे रब नॉट मसाज और इसको छोड़ देंगे। इंस्टेंट कंघी नहीं करनी है, कंघी करने से इंस्टेंट क्या होगा, एक तो ये आपके एकदम पानी पानी होता है ना, कंघी करोगे तो स्कैल्प से उठ के ये बालों के लेंथ में लग जाएगी, जो काम ही नहीं करेगा, वेस्ट एज ही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको एब्जॉर्ब होने के लिए दो, 15-10 मिनट एब्जॉर्ब होने के लिए दो, जब आपको लगे एब्जॉर्ब हो चुका है कंघी कर लो हो जाएगा। ठीक है, सो ये रहा जो है एप्लीकेशन कैसे करें, बहुत ही आसान था। मैंने ये भी बता दिया कि हफ्ते में कितनी बार अप्लाई करना है और रिजल्ट कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि इसको हम कितने एज से कितने एज तक यूज़ करेंगे। अगर आपकी एज 15+ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अप टू आप 40-60 जितने भी एज के हो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली इट इज़ डिज़ाइंड फॉर 20+ पीपल, कि जिनके बाल कम उम्र में बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है उनके बालों में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। स्पेशली बोल दूँ कि आजकल की जो सिचुएशन, पोल्यूशन एंड हमारी डाइट होती है ना, हमारे बाल बहुत ज़्यादा इजीली इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं और बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। हम सिर्फ फोकस करते हैं कि स्पा में, कंडीशनिंग में कैसे हमारे बाल एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाए, लेकिन हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं हमारे स्कैल्प में, जहाँ से मेन हमारे बाल ग्रो करते हैं। अब यहाँ से बाल ग्रो नहीं करेंगे तो आप स्मूथ हेयर कैसे बनाएंगे अगर ग्रो ही नहीं होगा। तो ये जो हमारे बाल है ना, ये इसको सबसे बाद में प्रायोरिटी देना, सबसे पहले प्रायोरिटी देना स्कैल्प में, उसके बाद इसको स्मूथनिंग सीरम वगैरह कुछ भी लगाते रहो। आप सीरम वगैरह जो हेयर सीरम होता है ना, मतलब जो बालों में लगाने वाली, हेयर लेंथ में लगाने वाली, वो तो आप इंस्टेंट लगाओ, इंस्टेंट स्मूथनिंग हो जाएगा। लेकिन क्या आप हेयर ग्रोथ सीरम इंस्टेंट लगाओगे तो इंस्टेंट हेयर ग्रोथ होगा? नहीं ना। तो सबसे पहले प्रिकॉशन लो, इस पे वर्क करो सबसे पहले, उसके बाद हेयर मास्क वगैरह, ऑयलिंग वगैरह इसमें लगाते रहना, ये तो बहुत ईजिली स्मूथ हो जाएगा। और यहाँ के फॉलिकल्स अगर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी जो हेयर टेक्सचर होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ से हेयर बनती है ना, तो यहाँ से अगर अच्छे टेक्सचर वाले हेयर ग्रो करेंगे तो यहाँ के टेक्सचर भी तो बहुत अच्छे हो जाएंगे ना। अगर यहाँ का टेक्सचर खराब है तो आप इसे अभी ऑयलिंग वगैरह, मास्क वगैरह लगा के ठीक कर सकते हो, लेकिन जो न्यू हेयर ग्रोथ हो रही है, ताकि वहाँ से जो ग्रोथ हो रही है टेक्सचर खराब ना हो, तो हेयर ग्रोथ सीरम वगैरह आप लगाओ और एक महीने बाद जो है आप रेमेडीज लगाना चालू कर दो। जैसे कि मेरे एक महीने होने वाले इसको अप्लाई करते हुए, तो मैं अभी रेमेडीज अप्लाई करना चालू कर दूंगी और इसकी वीडियोस भी मैं इस चैनल पर लाऊंगी, तो ज़रूर देखते रहना। चाहे वो रोजमेरी ऑयल के बारे में हो, चाहे वो कोई रोज वाटर के बारे में हो, कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी रेमेडी हो जो आप बालों पर अप्लाई करके अपने बालों को और भी ज़्यादा सुंदर, घने, लंबे बना सके, तो वो मैं वीडियो लाऊंगी, आप चेकआउट करते रहना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, ये पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम, तो कमेंट करना ज़रूर, और इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाला, सो यू कैन परचेज इट। बाकी ये पर्पल और नायका में भी अवेलेबल है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना, इसको अप्लाई करना और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट कॉमेंट बिलो, कॉमेंट ज़रूर करना, ठीक है? तो अगले वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी या फिर कॉमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।